नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी जयमंगलागढ़ बेगूसराय में यहीं पर चिराग पासवान मंदिर में पूजा अर्पण करने आए हैं और उनके समर्थकों और उनके नेताओं से मैं अभी जानता हूं। क्या नाम हुआ सर? रंजन सिंह। क्या कहना चाहेंगे चिराग पासवान जी आज आशीर्वाद लेने के लिए आए आशीर्वाद यात्रा के दौरान? देखिए, चिराग जी को तो जो जनता है, जनता भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आप अभी जो हाजीपुर में जन सैलाब उभरा था, समस्तीपुर में कल था, आज कल बेगूसराय में भी था। इस तरीके से माता का और भगवान का आशीर्वाद इस तरीके से जनता रूपी इनको मिल रहा है कि उनको 2025 में सीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर तेजस्वी का क्या करेंगे सर? देखिए, तेजस्वी और चिराग अब यही दो पक्ष विपक्ष रहेंगे भविष्य में, लेकिन 2025 तो चिराग जी का है। विपक्ष में जरूर अभी रहना पड़ेगा तेजस्वी जी को। तेजस्वी को फिर इंतजार करना पड़ेगा? अब वो तेजस्वी जी की बात है, हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारी अपनी और तीसों जिला में हम लोगों की कार्यक्रम है आशीर्वाद यात्रा का। उसके बाद 8 अक्टूबर के बाद से पदयात्रा है। सारे जो कार्यकर्ता लोग हैं वो पूरा मन बना लिए हैं कि इस बार जो चिराग जी के साथ हुआ है उसको, जो परिवार उनको छोड़ के गया है, उसमें 10 करोड़ जो आबादी है बिहार का, वो 10 करोड़ जनता का परिवार इनके साथ है। तो एक परिवार के जाने के बाद इनके कई परिवार साथ में आ गए। राजनीति की मैं बातें कर लूँ, अभी तो आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं जयमंगला मंदिर में, जयमंगलागढ़ मंदिर में बेगूसराय में पड़ता है। तेजस्वी जी भी इनको अपने में मिलाना चाह रहे हैं, तो ऐसा क्या क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, तेजस्वी जी को मालूम है कि इनका कॉम्पिटिटर चिराग जी ही है। भविष्य में चिराग जी ही ऐसा व्यक्ति है जो उनको कंपटीशन दे सकते हैं। आप देख लीजिए, भाजपा आज तक अपना कोई एक चेहरा न दे पाया। नीतीश जी अब बूढ़े हो गए, ख़त्म हो गया, उनकी क्रेज क्या था वो आपने देख लिया। और अब आगे जो भविष्य है वो तेजस्वी और चिराग का है। बिल्कुल। तो तेजस्वी को पता है कि चिराग हमारा कॉम्पिटिटर होगा, तो सोचता है कि हम अपने से मिला के कॉम्पिटिशन ही रिमूव कर दें। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? कुंदन कुमार। कहाँ से है? मंझौल। यहीं जी। आपका सर? रणधीर कुमार। क्या कहना चाहेंगे तेजस्वी जी को? तेजस्वी जब अभी युवा है, अगर मंत्री बन जाए तो चिराग जी आज आशीर्वाद ले रहे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? माता के दरबार में आया है आशीर्वाद, यहाँ जो भी अगर मंत्री आता है तो यानी कि उनका ही मन्नत पूरे ही हो जाते हैं। आपका क्या नाम हो सर? मेरा नाम संजय कुमार है, विधानसभा से हैं, डफरपुर से। आप सर? आलोक कुमार चौधरी, सीतामढ़ी से हम आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा में घूम रहे हैं, कैसा समर्थन? ये आशीर्वाद यात्रा जो अभी सारे लोग एमपी और सांसद को तोड़ने जोड़ने में लगे हुए हैं, और रामविलास जी का कहना था कि जब सब कुछ समाप्त हो जाए तो आप जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल, वहीं सबको कुछ प्राप्त होगा और वहीं से फिर नए सिरे से आप एक। धन्यवाद। हम अभी जयमंगलागढ़ मंदिर में हैं बेगूसराय में, आप देख रहे होंगे हमने कुछ लोगों से बात करवाई, कुछ नेताओं से, कुछ प्रवक्ताओं से। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।